खबर है, सपा सांसद एसटी हसन का बयान आया, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए कह रहे हैं, संविधान में संशोधन कर आरक्षण मिले, मुझे इंडिया गठबंधन से उम्मीद है सरकार बनी तो मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा, इंडिया गठबंधन संविधान संशोधन करेगा, हिंदू धोबी को आरक्षण मिलता है मुस्लिम धोबी को आरक्षण क्यों नहीं, ये सवाल उठाया है एसटी हसन ने। देखिए आरक्षण किस लिए दिया जाता है, उन तमाम कम्युनिटीज़ को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है ज़मीनी हकीकत भी यही है, अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है, क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। तो एसटी हसन को अभी आप सुन रहे हैं, उन्होंने बड़े सवाल उठा दिए हैं, साथ ही उनकी तरफ से मांग की गई है और ये भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन संविधान संशोधन करेगा, ये एसटी हसन की तरफ से कहा गया है, हिंदू धोबी को आरक्षण मिलता है तो मुस्लिम धोबी को आरक्षण क्यों नहीं मिलता, ये सवाल उठा रहे हैं एसटी हसन। वो कह रहे हैं मुझे इंडिया गठबंधन से उम्मीद है मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ऐसा जरूर करेगा, इंडिया गठबंधन संशोधन करेगा, ये उम्मीद है एसटी हसन को। अशोक पांडे बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। एसटी हसन मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, कह रहे हैं मुझे इंडिया गठबंधन से पूरी उम्मीद है कि सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की तो संशोधन भी होगा, क्या कहेंगे आप अशोक जी? देखिए पहली बात तो है कि मुसलमानों में कोई अगड़ा पिछड़ा तो है नहीं, मुसलमान को मुसलमान कहा जाता है और पिछड़ों के आरक्षण को काट के मुसलमानों को दिया जाएगा, ये इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं। पीछे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि अभी इंडिया गठबंधन सीधे दलितों के आरक्षण को काट के मुस्लिम को देने की बात कर रहा है, ये तो दुर्भाग्यजनक है, और हसन जी इस तरह की भाषा बोलते रहते हैं। तो देखिए अशोक पांडे जी इस बात का जिक्र करें किस तरह की भाषा बोलते रहते हैं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे तो पूरी उम्मीद है, और वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हिंदू धोबी को आरक्षण मिलता है तो मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं मिलता आरक्षण। देखिए मेरा ये कहना है कि अब जो भी आरक्षण आया है दलितों पिछड़ों के लिए ही था, मुस्लिम बंधु भाइयों के लिए एक अलग से अल्पसंख्यक कोटा होता है, ये तो दुर्भाग्यजनक है। ये तो हसन तो कम बोले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे सारे संसाधनों पर हक, पहला हक मुसलमानों का है, ये लोग सीधे सीधे तुष्टिकरण के नाम पर दलितों पिछड़ों के हक को मारना चाहते हैं, दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।